धर्मेन्द्र भाई समस्त टिके निज निज स्थान रे बसी पड़वा एबे अमर केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान भी कहबे केन्द्र सुरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी कहबे अमर जन मुख्य अतिथि अछन तो समस्त टिके बसी जिमा खाली टिके पानी पी साला परे से आसिकरी न आम समस्त को संबोधित करबे गोटे गीत रे नुआ जुगर नुआ नायक नुआ ओडिशा निर्माता आगु बड़ ओडिशा गढ़ तुमरी आह्वान बड़ स्वप्न देखा ओडिशाकू पढ़ाइबा तुमरी दायित्व चषाकु अबी जानिपार चाषीर महत्व मोदी कर प्रिय उजड़ा मैन मा मौसी नंदन आखिरे तुम विकसित ओडिशार अभिजन भाइम स्वाभिमान ओडिया जाति गौरव तुमे ओडिया प्राण सारा देश रे चर्चा तुमार सेवा पाई तुम जन्म शिक्षा नीति रे परिवर्तन देला तुम सुनाम दलितर बंधु गरीब भाई चलो चलो नाटीदेवल ब्लॉक तरफ रु प्रमुख कार्यकर्ता माने आमर प्रिय नेता राजनाथ सिंह को स्वागत करुछती अभिनंदन जनाउछती ताली मारी हुड़ौली मारी आम स्वागत करिबा आमर प्रिय नेता राजनाथ सिंह जी आमर केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र जी एवं देवेन्द्र बाबू समस्त को आम स्वागत करुचे बोले भारत माता की जय जगन्नाथ जय मां समलेई जय श्री राम। आज हमारे संबलपुर रेढ़ाकोल विधानसभा में ये नाटीदौल ब्लॉक जगन्नाथ प्रसाद एरिया में मुख्य अतिथि के नाते हमारे देश के प्रतिरक्षा मंत्री माननीय श्रीयुक्त राजनाथ सिंह जी हमारे यहाँ पधारे हैं। आप सभी के ओर से हम सभी के ओर से उनको मैं वंदन करता हूँ अभिनंदन करता हूँ कृतज्ञता जनाता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि से हमारे यहाँ आए हम संबोधित करने बहुत बहुत आभार। अभी हमारे यहाँ के विधानसभा प्रार्थी प्रत्याशी देवेंद्र महापात्र जी को मैं बोलता हूँ वो उत्तरीय देके उनको सम्मानित करें। हमारे विधानसभा के प्रत्याशी देवेंद्र महापात्र जी हमारे मुख्य अतिथि मान्यवर
अभी हमारे मंडल सभापति प्रमोद भाई को मैं बोलता हूं, केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को उत्तरीय देके सम्मानित करें। हमारे विधानसभा के संयुक्त प्रभारी अर्जुन पटनायक जी हमारे विधानसभा के प्रार्थी को सम्मानित करें। मैं अभी हमारे संबलपुर सांसद प्रार्थी केंद्र मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा के रत्न यहाँ के चासी के बेटा उनको मैं आमंत्रित करता हूँ, वो संबोधित करें हम सबको। भारत माता की, भारत माता की, बंदे बंदे। नागटी देवलर ये विशाल जनसभा रे मंच रे उपस्थित थिबा आजिर मुख्य आकर्षण देशर यशस्वी सुरक्षा मंत्री दलर सर्वोच्च नेता आदरणीय राजनाथ सिंह जी, एठिकार विधानसभा प्रार्थी आदरणीय देवेंद्र महापात्र महाशय, मंचासीन अन्यान्य नेतृमंडली, ये विशाल जनसभा उपस्थित गुरुजन माने, माँ माने, युवक साथी माने, आगामी 25 तारीख रे देश रे तथा आम राज्य पाई ए अंचल रे निर्वाचन हब, से निर्वाचन को सामने रखी आज ये जनसभा आयोजन कर जायछि। मु सबुठ प्रारंभ रे आदरणीय राजनाथ जी को कृतज्ञता ज्ञापन करुछि, से मो पाई आउ आदरणीय देवेंद्र महापात्र पाई आपण पाखरे आशीर्वाद भिक्षा करिबा पय आछन्दे। मु आपण समस्तक तरफरु माननीय राजनाथ जी को धन्यवाद जनाउछि, कृतज्ञता जनाउछि। बंधुगण आपण मते आशीर्वाद करिबे, लोकसभा रे मु जितिबि, ए अंचल विकास हब संभव तेबे हब जेबे देशर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेबे। कहार मनरे संदेह नहीं एथर देश रे नरेंद्र मोदी तृतीय थर पाई प्रधानमंत्री हेबे, हेबे ना रे कि भाई भोनी माने मोदी प्रधानमंत्री आशीर्वाद करिबे कि ना? आप माने राज्य रे भी विधानसभा निर्वाचन होउछ, 24 वर्षर अपारगता स्थाणुता संवेदनहीनता दुर्नीति घोर स्वभाव जुगु नाकटी देउल तार उदाहरण, लाकुल तार उदाहरण, पीबा पाई पानी नहीं, जलसेचन नहीं, शिक्षक नहंती, डाक्टर नहंती, ए अंचल लोक माने काम धाम पाई बाहर अंचल को बाहर को दादन खटिबा पाई जाउचंती। याकु बदलेबा पाई हेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आह्वान देइचंती, ओडिशा रे भी थरे सेवा करिवार सुजोग दिया जाऊ, नरेंद्र मोदी को योजना रे थरे सेवा करिवार सुजोग दिया जाऊ, भारतीय जनता पार्टी को सुजोग दिया जाऊ। बंधुगण ओडिशा रे बीजेपी सरकार हब, धान क्विंटल 31 टंका हब, केन्दुपत्र बिड़ा 2 टंका हब, महिला मान को सुभद्रा योजना रे 50,000 टंका रो अनुदान मिलिब, सबु गरीबों को घर मिलिब, पीबा पानी हब, एलपीजी गैस हब, मागणा रे बिजुली हब, ये ग्यारंटी रे निवेदन करबा पय आपण माने को अवसर देले। मु आपण को भितरे आ राजनाथ जी को भितरे व्यवधान रहे कि मु अंचल लोकसभा प्रार्थी भाबे आपण को आगर निवेदन करूची, मु आपण को सेवा करबा पय मते आपण माने भरोसा करंतु, मते आपण विश्वास करंतु, मु नागटी देउल रेढ़ाकोल संबलपुर लोकसभा समग्र राज्य ओडिशार मुंड को ऊपर रखी नुआईमी नहीं, मु आपण सेवक हवाप चाहू। मोर विश्वास को आपण मैने आस्थार सह भरसा करिबे, ये निवेदन करी मोर वक्तव्य शेष करुची, धन्यवाद। भारत माता की, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हमारे सांसद प्रार्थी माननीय केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, हम आपके साथ हैं। अभी हमारे मुख्य आकर्षण, हमारे इस सभा के मुख्य अतिथि
भारत सरकार की प्रतिरक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी को मैं निमंत्रण करता हूं, आमंत्रण करता हूं, हम सबको संबोधित करें। बंधुगण, राजनाथ जी स्वागतम, 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 राजनाथ जी स्वागतम, स्वागतम, स्वागतम। बंधुगण, माननीय राजनाथ जी के भीतर गोटे छोट दुर्घटना होता कारण पादरे जखम अच्छी भी सी आम भितर उपस्थित अच्छा आम समस्त आग्रह कारण सीए बसिक भाषण देवे आप संबोधित करेंगे माननीय राजनाथ सिंह जी। माने गुटे हुलहुला दवा बहनों भाइयों, मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। जैसा अभी धर्मेंद्र प्रधान जी ने बतलाया, आज के 8-10 दिन पहले आंध्र प्रदेश में चोट लग जाने के कारण काफी देर तक इस समय में खड़ा नहीं रह सकता, इसलिए आज आप लोगों के सामने बैठकर मैं विचार व्यक्त कर रहा हूं। हमारे यहाँ के लोकसभा के प्रत्याशी और भारत सरकार के मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, विधायक प्रत्याशी श्री देवेंद्र महापात्रा जी, राज्य के महामंत्री सीमाचल खटाई जी, लोकसभा प्रभारी श्रीमती मुन्ना साहू, विधानसभा प्रभारी अर्जुन महापात्रा, विधानसभा संयोजक श्री मिश्र भानु प्रधान, मंडल सभापति प्रबोध महाप्रधान और मंडल नेत्रानंद राउल, और यहाँ मौजूद मेरी सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, एक बार मैं आप सभी लोगों से यह निवेदन करूँगा, बाबा जगन्नाथ का जयकारा लगाया जाना चाहिए। बोलिए भगवान जगन्नाथ की। सभी के हाथ उठने चाहिए मेरे बहनों भाइयों। प्रश्न भगवान जगन्नाथ का है, भगवान जगन्नाथ की, माता सुभद्रा की, बलभद्र जी की। मेरे बहनों भाइयों, आप सब लोगों ने हम लोगों का बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है, स्वागत अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दुर्भाग्यवश मैं उड़िया नहीं बोल सकता हूं, वैसे धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे बिल्कुल छोटे भाई की तरह हैं। कभी कभी यह लोगों से उड़िया में बात करते हैं तो मैं समझने की कोशिश करता हूं, फिर भी मैं उड़िया पूरा नहीं समझ पाता हूं, आंशिक रूप से उड़िया भाषा में समझता हूं, इसलिए उड़िया भाषा से ही मैं अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूं। एठी उपस्थिता भाई और मौड़ी मानंकु मोर नमस्कार। बहनों भाइयों, 50 वर्षों तक यहां पर कांग्रेस की सरकार रही है और लगभग 25 वर्षों तक यहां पर बीजेडी की सरकार रही है, लेकिन उड़ीसा को इन 75 वर्षों में विकास के मामले में जिस ऊंचाई को हासिल करना चाहिए वह विकास नहीं कर पाया यह उड़ीसा। अब तक यहां की गरीबी को समाप्त होना चाहिए था, वह भी नहीं हो पाई। हालात इस सीमा तक बिगड़ गए कि यहां की उड़िया संस्कृत से जुड़ी तमाम चीजें गायब हो गई हैं, उसका कोई पता नहीं चला है, यह कांग्रेस के शासनकाल में और यह बीजेडी के शासनकाल में हुआ है। ऐसी बहुत सारी पांडुलिपियां हैं और हजारों यहां की कला संस्कृतियां हैं, वह भी गायब हो गई हैं। और मुझे तो यह बताया गया है कि भगवान जगन्नाथ मंदिर का जो रत्न भंडार है उसकी चाबी भी यहां की सरकारों ने जो है गायब कर दी। बहनों, जिस दिन हम लोगों की सरकार बनेगी, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, पूरे मामले की हम लोग छानबीन करेंगे, कहां हमारे भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार की चाबी गायब हो गई है। मेरे बहनों भाइयों, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, 10 वर्षों से केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हमारी काम कर रही है,
कोई कह सकता है कि सरकार ने बहुत काम किया, कोई कह सकता है जितना नहीं, जितना करना चाहिए था नहीं किया, लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद सारी दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा हुआ है, भारत का कद जो है बड़ा है। बहनों भाइयों, पहले भी मैं विदेशों में जाता रहा हूं, आपके धर्मेंद्र प्रधान जी भी विदेशों में जाते रहे, पहले दुनिया के सामने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो हम कुछ लोग बोलते थे तो भारत की बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज दुनिया के मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह हैसियत सारी दुनिया में भारत की बनी है, सारी दुनिया में हमारे प्रधानमंत्री का मान सम्मान भी तेजी के साथ बढ़ा है, कोई उन्हें महान नेता कहकर संबोधित करता है, यहां तक कि एक देश के राष्ट्रपति ने अपना सम्मान व्यक्त करते हुए हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का चरण स्पर्श भी किया था। यह भारत की इज्जत सारी दुनिया में बढ़ी है। यहां के जो सांस्कृतिक प्रतीक हैं, मैं कोणार्क के बारे में बतलाना चाहता हूं, कोणार्क की चर्चा आज सारे विश्व में हो रही है तो उसका भी श्रेय किसी को दिया जाना चाहिए तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया जाना चाहिए। शायद ही दुनिया के जो बड़े देश हैं कोई ऐसा देश बचा होगा जहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की आपके सांस्कृतिक धरोहर कोणार्क के साथ उसका चित्र न हो, ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। उड़ीसा का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा करने का काम भी किसी ने किया है तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और यदि भारत का करिश्मा देखना चाहते हैं, आपने अखबारों में पढ़ा होगा आज से 2 साल पहले से रूस और यूक्रेन दो देश हैं जिनके बीच इस समय संघर्ष चल रहा है। मेरे बहनों भाइयों, रूस की तरफ से मिसाइल, बम, गोले, तोप चल रहे हैं, यूक्रेन की तरफ से भी मिसाइल, बम, तोप और गोले चल रहे हैं, लेकिन हमारे भारत के बहुत सारे बच्चे वहां पर, कोई मेडिकल की पढ़ाई करता है, वहां पर कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है, वहां पर कोई मैनेजमेंट की जो पढ़ाई करता है, सब सारे भारत के रहने वाले बच्चे हैं। जब रूस की तरफ से बम, तोप, मिसाइल यह चलने लगी, भारत में रहने वाले उनके माता पिता को इस बात की चिंता हुई कि कहीं रूस की तरफ से चलने वाली मिसाइल, बम, तोप, गोले, यदि हमारे बच्चे यहां रहते हैं वहां यदि गिर गए तो हमारे बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। आंखों में आंसू भर के उनके माता पिता का प्रतिनिधिमंडल हमारे प्रधानमंत्री से मिला। हमारे प्रधानमंत्री ने क्षण भर की देर नहीं लगाई, उसका मैं प्रत्यक्ष साक्षी हूं मेरे बहनों भाइयों। उन्होंने चटपट रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की और यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की, और आपको जानकर गौरव की अनुभूति होगी, रूस और यूक्रेन का युद्ध 4.5 घंटे के लिए रुक गया और हमारे 22,000 बच्चे यूक्रेन से चलकर भारत आ गए। यह है भारत की हैसियत, यह है भारत की ताकत। भारत आज तेजी से आगे बढ़ रहा है, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों भारत के प्रधानमंत्री, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी रहे हों, चाहे राजीव गांधी जी रहे हों, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रहे हों, सरकार जब भी बनाना होता था हर चुनाव के दौरान ये जनता को आश्वासन देते थे, हमारी सरकार बना दो, हम भारत की गरीबी को मिटा देंगे। बहनों भाइयों, इन लोगों ने सचमुच गरीबी को जो भारत से समाप्त करना चाहिए कोई नहीं कर पाया, लेकिन आज मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं भारत के प्रधानमंत्री आज मोदी जी ने करिश्माई काम किया है जिसकी सराहना सारी दुनिया में हो रही है। 7-8 वर्षों के अंदर भारत से 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने का काम यदि किसी ने किया है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, उनकी सरकार ने किया है। बहनों भाइयों, ऐसे बहुत सारे काम हैं, गरीबों की चिंता जिस हद तक जाकर उन्होंने की है। हमारा भाई बहन जो गरीब है,
यदि सारे लोग पक्के मकानों के अंदर रहते हैं तो हमारे गरीब भाई बहनों को भी रहने के लिए पक्का मकान चाहिए। यह व्यवस्था आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी ने की है तो हमारे प्रधानमंत्री ने की है। हमारी माताएं बहनें जो लकड़ी जलाकर अंगीठी जलाकर खाना बनाती रही हैं, उनके आंखों में आंसू आते थे धुएं के कारण, लेकिन इसका दर्द किसी को नहीं हुआ, किसी पार्टी की सरकार को नहीं हुआ। इसका इस दर्द का एहसास पहली बार किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। एलपीजी गैस सिलेंडर हर गरीब परिवारों में पहुंचाने का उनका संकल्प था, लेकिन मैं जानता हूं ईमानदारी की बात है, यहां हर गरीब के पास खाना बनाने के लिए जो गैस सिलेंडर पहुंचना चाहिए था, जिस ईमानदारी से पहुंचना चाहिए था, इस बीजेडी की गवर्नमेंट ने लोगों तक पहुंचने नहीं दिया। केवल यह चिंता उनको सताती रही, कहीं यदि गैस सिलेंडर हमारी माताओं बहनों को मिल गया तो इसका श्रेय कहीं मोदी जी को न चला जाए। उन्होंने कहा चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर माता बहन की अपनी की इज्जत होती है, अपनी अस्मत होती है, उसकी चिंता करना भारत के हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है। गरीब परिवारों में घर में शौचालय होना चाहिए, क्या इसके पहले किसी प्रधानमंत्री ने सोचा था? आजाद भारत के इतिहास में पहली बार गंभीरता पूर्वक व्यापक स्तर पर शौचालय बनाने का काम यदि किसी ने किया तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया। मुझे यह खबर है उड़ीसा में जिस तेजी के साथ पक्के मकान बनने चाहिए थे, जिस तेजी के साथ हर गरीब के घर में शौचालय बनने चाहिए थे और जिस तेजी के साथ लोगों के पास एलपीजी गैस सिलेंडर पहुंचना चाहिए था, यह बीजेडी के सरकार ने वह नहीं किया है। यहां तक कि गरीबों को इलाज कराने के लिए अपना एक आयुष्मान भारत नामक एक योजना प्रारंभ की है, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। हमारे उड़ीसा के जितने गरीबों को आयुष्मान भारत का यह कार्ड मिलना चाहिए था, यहां की बीजेडी की सरकार ने सब तक वह कार्ड नहीं पहुंचाया। बहनों भाइयों, सरकार बनाइए, 1.5-2 साल के अंदर 5 लाख रुपए तक का इस उड़ीसा के गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जिन लोगों को पक्का मकान नहीं मिला है, 2 साल के अंदर आपको पक्का मकान मिलकर रहेगा, यह भी विश्वास दिलाता हूं। जिनके घरों में शौचालय नहीं बना है, शौचालय बनकर रहेगा। जिनके घरों में नल से जल नहीं पहुंचा है, वह पहुंच कर रहेगा। प्रधानमंत्री कितना संवेदनशील हमारा प्रधानमंत्री है, कोरोना का संकट आया था, कोरोना से आप लोग भी प्रभावित थे कि नहीं थे, हाथ उठाइए, यहां के लोग भी कोरोना का संकट था। मैं जानता हूं उड़ीसा के लोग जो मुंबई कलकत्ता ऐसे शहरों में काम करते थे, कोरोना के दौरान फैक्ट्री बंद हो जाने के कारण अपने घरों को वापस लौट रहे थे, खाने पीने का संकट पैदा हो गया था, किसी ने चिंता नहीं की। पहली बार हमारे प्रधानमंत्री ने चिंता की, उन्होंने कहा हर गरीब परिवार में हर व्यक्ति को हम 5-5 किलो का अनाज मुहैया कराएंगे, अनाज मुहैया कराएंगे, और उन्होंने अनाज मुहैया कराया। यह कोई आसान काम नहीं था। अब यहां की बीजेडी सरकार ने कितनी ईमानदारी से उसे लागू किया है मैं नहीं कह सकता। और सच्चाई यह है मेरे बहनों भाई, एक घर में यदि 4 लोग हैं, 4 के 4 को 5-5 किलो का राशन मोदी जी देते हैं, वह केवल खाते ही नहीं है बल्कि यदि बच जाता है तो बाजार में जाकर दुकानों को बेच भी देते हैं। यदि यह सच है तब तो आप ताली बजाइए, न सच हो तो ताली मत बजाइए। किसने चिंता की है? हर किसान के पास 6,000 रुपया साल में पहुंचना चाहिए ताकि अपनी खेती बाड़ी की छोटी मोटी आवश्यकताओं को वह पूरा कर सके, यह भी हमारे प्रधानमंत्री ने किया। फिर भी यह कांग्रेस के लोग और बीजेडी के लोग कहते हैं कि बीजेपी की सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं यदि सारे कामों की चर्चा करूं तो लंबा समय लगेगा,
बहुत विस्तार में जाकर वहां चर्चा नहीं करना चाहता हूं, और एक जानकारी और आपको देना चाहता हूं। दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका माना जाता है, चीन माना जाता है, अमेरिका की जनसंख्या हमसे कम है, चीन की जनसंख्या लगभग बराबर है, बल्कि अब तो हमारी चीन से भी अधिक की जनसंख्या हो गई। बहनों भाइयों, वहां रहने वाले अमेरिका और चीन के नागरिकों को कोरोना का टीका, कोरोना की वैक्सीन सभी को दो डोज और तीन डोज नहीं लग पाई थी। केवल भारत इस दुनिया का देश है जहां के प्रधानमंत्री ने सबको दो डोज और तीन डोज का टीका लगवाने का काम किया। यह ऐसी हमारी सरकार है। 25 करोड़ लोगों को हम लोगों ने गरीबी के संकट से बाहर किया। बहनों भाइयों, आपको भरोसा दिलाता हूं, यह भरोसा कांग्रेस का भरोसा नहीं है, यह बीजेडी का भरोसा है। हम लोग जो कहते हैं वह करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास उठाकर कोई देख ले, 1951 में जो हम लोगों ने कहा था जब हमारी सरकार बनेगी तो यह वादे पूरे करेंगे, केंद्र में सरकार बनने के बाद सारे वादों को पूरा करने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया है, हमारी आपकी पार्टी की सरकार ने किया। जो भी वादे हम लोगों ने किए 1951 से कहते चले आ रहे हैं, हम आएंगे तो जम्मू काश्मीर को धारा 370 के तहत जो विशेषाधिकार प्राप्त है उसे समाप्त करेंगे। और आपने देखा संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिलने के साथ चुटकी बजाकर हम लोगों ने धारा 370 समाप्त कर दिया। हम लोगों ने कहा था जब हमारी सरकार बनेगी अयोध्या की धरती पर भद्राम का मंदिर बनकर रहेगा, जहां हम लोग नारे लगाते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, ये कांग्रेस के बीजेडी के लोग कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर हम बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। बहनों भाइयों, वह तारीख भी आ गई 22 जनवरी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने धर्माचार्यों के मार्गदर्शन में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में कर दी। और मेरी बात आज ध्यान से सुन लीजिए, रामलला अपनी झोपड़ी से निकलकर अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। मेरे बहनों भाइयों, भारत में राम राज्य का आगाज होकर रहेगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अब मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहता कि राम राज्य में होता क्या है, थोड़ा वह कठिन विषय है इसलिए यहां पर उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। हम लोग डरकर सरकार नहीं चलाते। अब जैसे तीन तलाक की प्रथा को समाप्त करना था, लोग ये कहते थे कि साहब यह तो मुस्लिम समाज का मामला है, आप क्यों तीन तलाक समाप्त करेंगे, यह तो मुस्लिम धर्म का मामला है। बहनों भाइयों, सरकार बने भाड़ में जाए, हम लोग राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। कोई भी मां हो, कोई बहन हो, बेटी हो, चाहे वह हिंदू की हो, चाहे मुसलमान की हो, चाहे ईसाई की हो, चाहे यहूदी की हो, बहनों भाइयों, यदि वह भारत का नागरिक है तो उस मां बहन बेटी पर भी कोई जुल्म होगा तो उन माताओं बहनों की बेटियों के साथ भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पर खड़ी रहेगी। हम लोगों ने वोट की चिंता नहीं की, तीन तलाक समाप्त कर दिया। और आज आपको गुमराह कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी आ गए, प्रधानमंत्री बन गए तो आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त कर देंगे। बहनों भाइयों, किसने अपनी मां का दूध पिया है जो आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त कर दे, बल्कि पिछड़े वर्ग के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था थी उसको संवैधानिक अधिकार भारत के इतिहास में पहली बार देने का काम किया है तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया है, हम लोगों की सरकार ने किया है।
समाज के सभी वर्गों की चिंता हम लोग करते हैं। जो पिछड़े वर्ग अनुसूचित वर्ग में नहीं आते उनमें भी आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए हैं, गरीब हुए हैं, उनके लिए भी 10% आरक्षण की व्यवस्था आजाद भारत के इतिहास में किसी सरकार ने की है तो हम लोगों की सरकार ने की है। बहनों भाइयों, हम समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना चाहते, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहते, लेकिन गलत सलत प्रचार करके ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों से यहां निवेदन करने आया हूं, मेरे बहनों भाई, कि आप सभी का स्नेह, आप सभी का प्यार भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। और हमको तो आश्चर्य होता है, हमारे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हैं, उनकी तारीफ पाकिस्तान कर रहा है, मोदी जी की तारीफ नहीं कर रहा है, राहुल गांधी की तारीफ कर रहा है। और उस पूर्व मंत्री ने, फार्मर मिनिस्टर ने, पाकिस्तान के फार्मर मिनिस्टर फवाद अहमद नाम है, आप नेट पर जाकर देख लीजिएगा, उस फवाद अहमद ने कहा उरी में जो आतंकी हमला हुआ है उस आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ था, इसे मैं स्वीकार करता हूं। उसने स्वीकार किया है और वह जो है राहुल गांधी की तारीफ कर रहा है। क्या ऐसे व्यक्ति को आप नेता के रूप में स्वीकार करेंगे? बहनों भाइयों, भारत की आज जो बढ़ती हुई ताकत है, भारत जितनी तेजी के साथ धनवान बनता जा रहा है, यहां की गरीबों की समस्याओं का निदान होता जा रहा है, जानते हैं पाकिस्तान की संसद में एक सांसद फजलुर रहमान ने कहा है भारत विश्व की महाशक्ति बन रहा है और पाकिस्तान अपने को बर्बादियों से बचाने के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है। यह है भारत की ताकत। भारत यह कोई साधारण भारत नहीं है बहनों भाइयों, यह विश्व की महाशक्ति बनने जा रहा है। यदि हम विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं तो किसी देश पर आक्रमण करने के लिए नहीं, बल्कि विश्व कल्याण के लिए हम विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं। ऐसा हमारा भारत लगातार यह आगे बढ़ रहा है। पीओके का नाम सुना है आप लोगों ने? पीओके का नाम कितने लोगों ने सुना है? हाथ उठाइए। इधर पीओके का नाम किसी ने सुना है? पीछे भी कुछ लोगों ने सुना है। बहनों भाइयों, यह पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर, भारत यह मानता है, पीओके हमारा था, पीओके हमारा है और पीओके हमारा रहेगा। हमसे कुछ साथियों ने कहा कि साहब आप तो देश के रक्षा मंत्री हैं, आपके प्रधानमंत्री इतने ताकतवर हैं, आप पीओके पर आक्रमण क्यों नहीं बोल देते हैं? पीओके के आप जबरन भारत में क्यों नहीं मिला लेते हैं? तो बहनों भाइयों, हम लोगों ने कहा पीओके पर कोई आक्रमण करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त होने के बाद जितनी तेजी के साथ विकास हो रहा है, अब पाक अधिकृत कश्मीर पीओके में यह मांग उठने लगी है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, भारत के साथ जाना चाहते हैं। मेरे बहनों भाई, क्या यह कोई छोटी उपलब्धि है? 3 साल पहले ही मैंने इसको कहा था, कोई जरूरत नहीं है किसी पर आक्रमण करने के लिए, स्वयं वो हमारे पास आएंगे। और आपने 2 दिन पहले देखा होगा पीओके के रहने वाले लोग, पीओके की धरती पर जो पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था उस झंडे को उतार रहे थे, कह रहे थे पीओके में पाकिस्तान का झंडा नहीं लगेगा। यह है हमारा भारत, यह है हमारा भारत। और बहनों भाइयों, आपके प्रत्याशी धर्मेंद्र प्रधान घर की मुर्गी साग बराबर होती है, यह कहावत चलती है कि नहीं है? चलती है, चलती है,
घर की मुर्गी साग बराबर। बहनों भाइयों, मुझे नाज है धर्मेंद्र प्रधान पर। छोटी आयु में धर्मेंद्र प्रधान ने भारत में अपनी पहचान बनाई है। मेरे बहनों भाइयों, भारत में पहचान बनाई है। कई विभागों के मंत्री रह चुके हैं, इस समय शिक्षा मंत्रालय की बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों के ऊपर है। जिस तरीके से नई शिक्षा नीति को प्रभावी तरीके से यह लागू करने का काम कर रहे हैं, उस पर आप सबको, हम सबको नाज होना चाहिए। मेरे बहनों भाई, धीर, गंभीर, कम बोलने वाले, ऐसे आपके प्रत्याशी हैं। कहीं पर कोई बहस होती है किसी मंचों पर, प्रभावी तरीके से कैबिनेट में भी अपनी बातों को प्रभावी तरीके से रखने का काम, तार्किक ढंग से रखने का काम यदि कोई करता है तो आपके प्रत्याशी धर्मेंद्र प्रधान जी करते हैं। क्या ऐसा व्यक्ति उड़ीसा से चुनकर भारत की संसद में नहीं पहुंचना चाहिए? और मैं आज कहकर जा रहा हूं, आप केवल सांसद नहीं चुन रहे हैं, बहुत बड़ी चीज चुनने जा रहे हैं आप। समझ गए कि नहीं? समझ गए? पीछे के लोग समझ गए? अकलेमंद इशारा काफी। और अभी आपके प्रत्याशी विधानसभा के महापात्रा जी को देख रहा था, पूरा नाम क्या महापात्रा जी? देवेंद्र जी, देवेंद्र महापात्रा। जब लोगों ने बताया कि देवेंद्र महापात्रा यहां के हमारे विधानसभा के प्रत्याशी हैं, तो मैं देवेंद्र महापात्रा को नीचे से लेकर ऊपर तक देख रहा था। मैंने देखा डिलडौल से भी देवेंद्र महापात्रा हमारे बहुत दमदार हैं, और मुझे पूरा विश्वास है यदि आपने इनको विधानसभा में चुनकर भेजा, मेरे बहनों भाइयों, तो आपकी समस्याओं को इस विधानसभा में आवाज देने का काम, समस्याओं का समाधान करने के लिए यदि एक बार लड़ने की भी जरूरत होगी तो आपके देवेंद्र महापात्रा के अंदर वह ताकत है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से यह अनुरोध करना चाहता हूं, कमल के फूल का बटन दबाइए, कमल का फूल। बहनों भाइयों, लक्ष्मी जी जब घर में आती हैं, बीजेडी का क्या चुनाव चिन्ह है? बीजेडी का अब लक्ष्मी जी आती हैं तो शंख बजाते हुए नहीं आएंगे। लक्ष्मी जी घर में आती है तो हाथ हिलाते हुए नहीं आएंगे। हम लोग बहुत पहले से कहते चले आ रहे हैं, यदि लक्ष्मी जी देशवासियों के घर में आएंगी तो कमल के फूल पर ही बैठकर आएंगी। मेरे बहनों भाई, और देख लिया आप लोगों ने, जब से हमारे कमल के फूल की सरकार बन गई है तब से हमारा भारत आगे बढ़ रहा है। भारत की गरीबी धीरे धीरे अब समाप्त हो रही है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, एक एक वोट, एक एक वोट देश के प्रति आपकी जिम्मेदारी बनती है। मेरे बहनों भाइयों, सबकी, छूटना नहीं चाहिए। आप जाइए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, सांसद प्रत्याशी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और हमारे देवेंद्र महापात्रा जी विधानसभा के प्रत्याशी, कमल का बटन दबाकर भारी मतों से विजय दिलाएं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त को धन्यवाद। लाना है परिवर्तन, परिवर्तन लाना है। ओडिशा परिवर्तन, ओडिशा।